हेलो स्टूडेंट्स इन दिस कोर्स लेक्चर सीरीज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी दी इंट्रोडक्शन टू सोलर एनर्जी एंड हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ सोलर एनर्जी तो हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी का क्या इंट्रोडक्शन है और इसी तरीके से कि सोलर एनर्जी के हवाले से जो भी हिस्टोरिकल टाइम हमारे पास मौजूद हैं जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी हमारे पास मौजूद है हम उसके हवाले से भी आज एक्सप्लेनेशन करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड पावर ये दोनों चीजों का समझना बहुत जरूरी है कि एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है तो एनर्जी क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं कि एनर्जी इज वट मेक्स चेंज हैपन एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर तो एनर्जी हुई कि एनर्जी की वजह से चेंज जो है वो वजूद में आती है वो होती है और इसके अलावा एनर्जी का को ट्रांसफर्ड किया जा सकता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी एनदर और सिंपल में अगर हम ये कहें कि इन सिंपल एनर्जी इज द एबिलिटी टू काज चेंज एनर्जी की वजह से ही जो है चेंज uh, का वजूद है मतलब तब्दीली जो है वो एनर्जी की वजह से होती है और एनर्जी का जो यूनिट है वो जॉल है और जॉल्स इज इक्वल टू वॉट सेकेंड या हम इसको कह सकते हैं जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर और पावर की डेफिनेशन क्या है कि पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ हो चुकी है कि हम काज ऑफ चेंज लेके आना चाह रहे हैं एनर्जी जो एबिलिटी है लेकिन पावर जो है वो वो उसका रेट है कि जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है ठीक है सो पावर इज द रेट एनर्जी इज मूव्ड और यूज्ड और वाट जो है इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू जोल्स पर सेकेंड अब इन दोनों के हवाले से हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक तो बेसिक लाइफ की एग्जाम्पल है ताकि हम समझ सकें कि वट इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड पावर तो इस एग्जाम्पल में मैं अगर ये कहूं कि लिफ्टिंग अ बॉक्स रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी कि अगर मुझे ये बॉक्स जो है ये उठाना है लिफ्ट करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी नो मैटर हाउ क्विकली द बॉक्स इज पिक्ड अप और ये मैटर नहीं करता कि बॉक्स जो है वो कितना जल्दी उठाया गया या आराम से उठाया गया लेकिन जो चीज मैटर करती है वो है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर बॉक्स अच्छा लिफ्टिंग फास्टर विल चेंज द अमाउंट ऑफ पावर बट नॉट द अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कितनी तेजी से उठाते हैं इसको ठीक है कि इंसान की ये इंसान की पावर पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं यहां कह रहा हूं कि लिफ्टिंग फास्टर विल चेंज द अमाउंट ऑफ पावर कि कितनी मेरे पास पावर है जिसको मैं जल्दी उठा सकूंगा और इसी तरीके से एक एग्जांपल देखते हैं इंजन वर्सेस गैस टैंक्स के कार्स इंजन डिटरमाइंस हाउ मच पावर इट कैन एक्सर्ट इंजन जो है उसकी एक स्पेसिफिक पावर होगी और ये बताएगी कि वो कितनी पावर जो है वो एक्सर्ट कर सकता है या कितनी पावर जो है वो डिलीवर कर सकता है वाइल दैसोलिन इन दैस टैंक डिटरमाइंस हाउ मच एनर्जी द इंजन हैज इट्स एट इट्स डिस्पोजल और जो गैसोलिन या जो पेट्रोल जो है गैस टैंक में अवेलेबल होगा वो ये डिटरमाइन करेगा कि कितनी एनर्जी जो है वो अभी इंजन के पास अवेलेबल है इसके डिस्पोजेबल पे जो कि उसको वो सर्व करेगा तो यहां तक तो बात हो गई एनर्जी एंड पावर की अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी और इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सोलर एनर्जी की बुनियाद जो है वो क्या है वो सन है वो है सूरज तो हमें सबसे पहले सन के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि सन जो है वो किस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और इसका जो स्ट्रक्चर है इंटरनल और एक्सटर्नल वो क्या है तो सोलर एनर्जी इज एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटेड हीट एंड लाइट ठीक है इट वेरी बेसिक वन के सोलर एनर्जी जो है वो सूरज से हासिल होती है और ये फॉर्म जो है ये रेडिएशन है और रेडिएशन ऑफ हीट एंड लाइट इट ड्राइव्स द क्लाइमेट एंड वेदर एंड स्पोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ जमीन के ऊपर जितनी भी जिंदगी है वो सारी जिंदगी सूरज की वजह से है क्योंकि उसकी वजह से ही क्लाइमेट और वेदर जो मौसम है हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो इस सूरज की वजह से ही है इसकी वजह से ही ड्राइव्स हो रहे हैं सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज मेक कंट्रोल्ड यूज ऑफ दिस एनर्जी रिसोर्स और इस टेक्नोलॉजी की वजह से सोलर एनर्जी की हम क्या करते हैं कि यूज कर सकते हैं जो कंट्रोल्ड होगा इस टेक्नोलॉजी का और इस सोर्स के थ्रू हम अपनी एनर्जी बना सकते हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस सोलर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ अवर यूजेबल एनर्जी द सन इज अ बिग गैस बॉल मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस इसमें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें जो मेजर पोर्शन है तकरीबन इन द माई नॉलेज के मोर देन 90 परसेंट जो इसका पोर्शन है वो हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है और इसलिए इसको कह सकते हैं कि द सन इज बिग गैस बॉल सोलर पावर इज अम्स ऑफ सोलर एनर्जी और रेफर्स स्पेसिफिकली टू कन्वर्जन ऑफ सनलाइट लाइट इन टू इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके मुतबाद है कि जो हम एनर्जी हासिल करते हैं ठीक है और वो कैसे हासिल होती है कि जो सूरज की रोशनी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं कन्वर्जन con उसकी होती है इन टू इलेक्ट्रिसिटी बाई फोटू वोल्ट्राइक जो हमारे पास सेल अवेलेबल होते हैं फोटोवोल्टाइक के कंसनट्रेटिंग सोलर थर्मल डिवाइसिस या इसके अलावा हमारे पास जो सोलर थर्मल डिवाइसिस हैं इनके बारे में हम आगे बड़ी तफसील से पढ़ेंगे और वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा जो भी और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं हम उनके थ्रू सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी या और किसी थर्मल डिवाइसेस के अंदर अब बात कर लेते हैं सन की अच्छा सन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सबसे डेप्थ में ये वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे अर्थ कोर और ये सबसे ज़्यादा हीट होगा ठीक है और इसके बाद जो तो सेकेंड लेयर आती है हमारे पास ये आ जाती है रेडिएक्टिव जोन या रेडियोक्टिव जोन ठीक है यहां से रेडिएशन जो है वो निकलना स्टार्ट होती है और जो थर्ड लेयर है दैट वन इज अ कन्वेक्शन जोन यहां तक आ गई इंटरनल स्ट्रक्चर अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ये जो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं मतलब इंटरनल के साथ साथ जो से ये गैसेस का अखराज हो रहा है हम उनके हवाले से बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोस्फेयर की कि ये जो फोटोस्फेयर है ये क्या है इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि इट इज द्राइट आउटर लेयर ऑफ दन की ये जो सूरज है इस सूरज की जो ब्राइट आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं कि ये फोटोस्फेयर है और ये क्या करती है कि ये बहुत सारी जो रेडिएशंस हैं उनको एमिट करती है फोटोस्फेयर बहुत सारी रेडिएशंस को सन की इंटरनल स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल की तरफ एमिट करती है और इसका जो सरफेस है फोटोस्फेयर का ये मोस्टली अन ईवन सर्फेस है और इसका जो आउटर टेम्परेचर है फोटोस्फेयर का दैट वन इज अ अरली नियरली सिक्स थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है छह हजार डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह फोटोस्फेर का टेंपरेचर है अब हम सेकेंड बात करते हैं फोटोस्फेर के बाद आ जाता है क्रोमोसफेयर क्रोमोसफेयर जो है यह क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो क्रोमोसफेयर जो है ये हम ये कह सकते हैं इट इज जस्ट अब दोटोस्फेयर ठीक है तो इससे जो अगली लेयर है फोटोस्फेर से जो अगली लेयर है वह हमारे पास है

अच्छा अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सन स्पॉट्स की ठीक है सनस्पॉट्स क्या हैं ये सनस्पॉट्स जो हैं ये डार्क पैचेस हैं ठीक है और डार्क पैचेस हैं ये सन की सरफेस पे भी हमें नजर आते हैं ठीक है तो ये डार्क पैचेस ऑन दी सरफेस ऑफ दी सन अच्छा ये ये डार्क इसलिए नजर आते हैं कि क्योंकि यहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम है काफी ज्यादा कम है सराउंडिंग की निस्बत अगर मैं बात करूं कि ये जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है यहां पर और यहां पर ये जो स्पॉट्स हैं इसमें वाजे डिफरेंस है इसकी वजह से कि सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इसका सराउंडिंग की निस्बतन काफी कम है तो जिसकी वजह से हमें ये डार्क जो स्पॉट्स हैं ये नजर आते हैं अच्छा और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेम्परेचर है नियरली 500 से डेढ़ हजार डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 500 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर है देन सराउंडिंग क्रोमोसफेयर ठीक है जी क्रोमोसफेयर से तकरीबन ये 500 से डेढ़ हजार डिग्री कम है इसलिए हमें जो है ये सन्स जो स्पॉट्स हैं ये नजर आते हैं अच्छा इसके बाद हम बात कर लेते हैं अच्छा ये जो विंड्स हमें नजर आ रही है साइड्स पे ठीक है इसको हम कहेंगे सोलर विंड यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन ये बताना जरूरी है कि सोलर विंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है ये स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ठीक है स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स जो कि प्राइमरीली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से जो है मुश्तमिल होते हैं उनपे और ये क्या करते हैं ये फ्लो करते हैं फ्लो करते हैं फ्लोइंग आउटसाइड फ्रॉम सन ठीक है और ये जो सूरज है इससे गैसेस का अखराज होता है ठीक है इतनी और इसकी स्पीड क्या है अखराज की ये तकरीबन 900 किलोमीटर पर सेकंड ठीक है जो गैसेस का अखराज होता है जिसको हम कहते हैं सोलर विंड ठीक है जो कि एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका जो अखराज है ये तकरीबन 900 किलोमीटर पर सेकंड और जो टेम्परेचर होता है वो होता है वन मिलियन डिग्री इसका टेम्परेचर होता है अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं ये फ्लेयर्स की वट इज सोलर फ्लेयर्स अच्छा सोलर फ्लेयर्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ऑन अर्थ सरफेस सॉरी अर्थ कह रहा हूँ मैं सन सरफेस ये सूरज के सरफेस पे ये प्रोड्यूस होते हैं और इसकी वजह है ड्यू टू सम मैग्नेटिक प्रॉब्लम्स मतलब मैग्नेटिक एनोमलीज होती हैं कि और ये मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स आते हैं जो भी क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सारे रेडिएशंस की तो इसलिए सोलर फ्लेर्स जो हैं दैट वन इज सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स जो कि ब्राइट स्पॉट्स होते हैं याद रखिएगा दीज आर सम काइंड ऑफ ये ब्राइट स्पॉट्स ठीक है और ये जो ब्राइट स्पॉट्स होते हैं ये इसके अंदर जो गैशियस सरफेस होती है वो अरप्शन कर रही होती हैं मतलब गैसेस जो हैं वो यहां पर बर्न हो रही होती हैं या हम ये कह लें कि अरप्ट हो रही होती हैं इसकी वजह से इसको सोलर फ्लेयर कहा जाता है अच्छा बाकी हम बात अच्छा बाकी इसकी बात करते हैं कि प्रोमिनेंस क्या है प्रोमिनेंस जो है ये भी एक आर्क ऑफ गैसेस हैं ये देखें ये भी एक टाइप की आर्क ऑफ गैसेस हैं जो कि अरप्ट होती हैं निकलती हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ सन ठीक है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ सन अच्छा ये क्या करती हैं इट कैन लूप ये हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स इन स्पेस में अवेलेबल होती हैं ठीक है हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ये हमें स्पेस में मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवेलेबल होती हैं और ये कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ये कई कई महीनों तक मौजूद रह सकती हैं ये हो गई अब बात कर लेते हैं कोरोना की कि कोरोना क्या है तो ये एक किस्म का डिस्टिंक्टिव प्लाज्मा है ठीक है एटमोस्फेरिक प्लाज्मा है जो कि सूरज से आउटसाइड की तरफ अवेलेबल होता है ठीक है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का प्लाज्मा है एटमोस्फेयर बन चुका है सूरज के इर्द गिर्द प्लाज्मा का जो के सराउंड कर लेता है सारा सूरज उसको ठीक है मतलब सूरज के इर्द गिर्द ये सन के इर्द गिर्द ये अवेलेबल होता है अच्छा और जो सन क्रोना है ये एक्सटेंड करते हैं ये भी बहुत ही दूर तक एक्सटेंड होता है और ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर इन द स्पेस में अवेलेबल होता है और ये जो ये जो चीज है सारी ये सारा ये जो हमें नजर आ रहा है ठीक है दैट वन इज अ कोरोना और ये एक्सटेंड होता है मिलियंस ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस और ये हम कब देख सकते हैं जब सूरज ग्रहण होता है सोलर स्लिप eh, होता है या उसको हम सूरज ग्रहण बोलते हैं तो सूरज ग्रहण के टाइम पे जब पूरा का पूरा सूरज एग्जैक्टली exactly ग्रहण हो जाता है तो जो बाकी जो यहां पर हमें प्लाज्मा नजर आता है सूरज ग्रहण होते वक्त दैट वन इज कॉल्ड और प्लाज्मा जो है वो क्या है ये आयोनाइज गैसेस हैं ठीक है और हम ये कह सकते हैं इसकी जो नॉर्मल एग्जाम्पल हमारे डे लाइफ में क्या है दैट अ लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक स्पार्क ये हमारी डे लाइट एवरी डे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्लाज्मा की हम अपनी जिंदगी में देखते हैं चलिए यहां तक होगी सूरज की बात अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इंट्रोडक्शन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं अब सन के बारे में जरा बात करते हैं कि सन की जो एनर्जी है और वो ट्रेवल कैसे करती है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है सन इज थर्मल रिएक्टर अबाउट नाइंटी थ्री मिलियन माइल्स अवे इज दोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ जमीन पर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है जो कि जमीन से तकरीबन तिरानवे मिलियन माइल्स दूर है

हंड्रेड थाउज एटी सिक्स माइल्स मतलब एक लाख छियासी हजार माइल्स पर सेकेंड द स्पीड ऑफ लाइट ए टोटल ऑफ वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री थाउजेंड टेरावाइट एक लाख तिहत्तर हजार टेरा वॉट्स ट्रिलियंस ऑफ वाट्स हम जिसको कहेंगे ऑफ सोलर एनर्जी स्ट्राइक्स दर्थ कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली इतनी ह्यूज में जो एनर्जी uh, है वो स्ट्राइक हो रही है That's more than 10,000 times the world's total energy use. So total energy use thus at the surface of the Sun, the intensity of the solar radiation is about 6.33 multiplied by 10 to the power 7 watt per meter square. The energy received on the earth from sun is termed as solar energy and it reaches in the form of radiations.

कि ये वो कांस्टेंट होगा कि जिसको अगर हम बात करें कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हैं पर यूनिट हिसाब पर यूनिट एरिया के हिसाब से मेजर्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर जो एटमोसफेयर है जमीन का आउटर सरफेस का बाहर का हिस्सा वहां पर इसको कैलकुलेट किया जाता है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू देश ठीक है अब हम ये देखते हैं कि दैट वन इज सन इस सूरज से जो रेज आ रही हैं टुअार्ड्स द अर्थ तो दैट वन इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेयर के इस पॉइंट पर दैट वन इज द प्रिपेंड प्रिपेंडिकुलर ठीक है तो यहां हम कहेंगे कि सोलर कांस्टेंट है और एंट्री पॉइंट इनटू एटमॉस्फेयर और सोलर कांस्टेंट फॉर अर्थ इसकी जो वैल्यू है वो हम तकरीबन 1353 watt per meter square lete hai ya nearly equal to thirteen sixty watt per meter square. The solar radiation is mainly in three electromagnetic wavelengths the ultraviolet, visible, and infrared. All these radiations are energy intensive and this energy is utilized by the objects on Earth. ये जो सन रेज ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अवेलेबल हैं जो कि हम यहाँ देख रहे हैं और इन रेडिएशंस के थ्रू हम जब ये रेडिएशंस जो हैं, वो अर्थ में ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती हैं तो उसके थ्रू हम एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं या, या यूटिलाइज करते हैं और इस तरीके से थी ये अर्थ डायमीटर अवेलेबल है और अर्थ डायमीटर के साथ एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर के प्लेन परपेंडिकुलर जो रेज होंगी उनको हम सोलर कांस्टेंट कहेंगे अब अर्थ एनर्जी बजट की बात करें और यह क्यों इंपॉर्टेंट है यह भी हम अभी यहां देख लेते हैं अर्थ रेडिएशन बजट इज अ कंसेप्ट दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मच एनर्जी अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन एंड हाउ मच एनर्जी अर्थ रेडिएट्स बैक टू आउटर स्पेस तो ये बजट हमें यह बताएगा ये कंसेप्ट देगा कि कितनी एनर्जी जो है वो जमीन ने रिसीव की और इसी तरीके से कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट बैक हुई टू आउटर स्पेस तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकमिंग सोलर एनर्जी जो कि 100% परसेंट है सोलर से इनकमिंग है या सोलर से रेडिएट होके आ रही है सोलर रेडिएशन ट्रेवल्स थ्रू स्पेस टू रीच दॉप ऑफ दर्थ एटमोस्फेयर सबसे पहले क्या होता है कि जो सोलर की रेडिएशन है वो ट्रेवल्स करती हैं थ्रू स्पेस और वो अर्थ के जमीन के जो टॉप ऑफ दर है अच्छा एज दैट हाई एनर्जी रेडिएशन एंटर अर्थ एटमोस्फेयर जैसे ही ये हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो जमीन के एटमोसफेयर में एंटर होती हैं अस्मॉल अमाउंट ऑफ इट ज एब्सॉर्ब बाई डस्ट एंड वॉटर वेपर्स ठीक है जो कुछ अमाउंट जो है स्मॉल अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है डस्ट में वॉटर वेपर जो होते हैं एटमोसफेयर में उनमें एंड वॉर्म दर और वो करती क्या है कि एटमोसफेयर को गर्म कर देती है तो अगर हम यहां देखें कि जो इनकमिंग एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड बाई एटमोसफेयर कितनी हो रही है तकरीबन सिक्स परसेंट और रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स जो कि ट्वेंटी परसेंट है ठीक है एटमोसफे में ही है और इसके अलावा जो क्लाउड्स हैं वो ट्वेंटी परसेंट है टाइनी पार्टिकल्स इन दोसफेयर कुछ जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है स्पेस में क्लाउड्स की वजह से और टाइनी पार्टिकल्स इन दटमोसफेयर की वजह से जैसे कि यहां मैंने आपको बताया कि एटमोसफेयर की वजह से तकरीबन सिक्स परसेंट और क्लाउड्स की वजह से तकरीबन ट्वेंटी परसेंट एंड सम्यूज ऑन टू रीच अर्थ सर्फेस और कुछ जो होती हैं वो कॉन्टिन्यू रहती हैं के ज़मीन के सर्फेस तक आते हुए जमीन के सर्फेस तक पहुंच जाती हैं मोस्ट ऑफ दी सोलर एनर्जी दैट रीच इज अर्थ इज एब्सॉर्ब बाय दैंड ओशन एंड सोलर एनर्जी है मोस्टली मोस्टली जो एनर्जी है वो अर्थ में एब्सॉर्ब हो जाती है, जो अर्थ की में होती है जमीन पे ओशंस पे और उसके साथ वो जमीन को गर्म कर देती है सम reflects ऑफ लाइट कलर सर्फेसिस सच एज स्नो आइस एंड सैंड एंड रिटर्न टू स्पेस कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है Uh, क्योंकि जो लाइट कलर्स हैं सर्फेसिस की वजह से जैसे कि वाइट कलर्स हैं स्नो के आइस के सैंड के, के और रिटर्न टू स्पेस होती है तो हम यहां देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सर्फेस जब यहां पहुंच जाती है अर्थ सर्फेस की तरफ तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ठीक है अर्थ सर्फेस से तकरीबन फोर परसेंट और इसके अलावा और ये लैंड में कितनी एब्जॉर्ब होती है लैंड और ओशन में ये कितनी एब्जॉर्ब होती है वो भी देख लेते हैं एब्जॉर्ड बाई लैंड एंड ओशन इज इक्वल टू फिफ्टी वन परसेंट नियरली एस्टिमेटेड है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाई एटमोसफेयरिक डस्ट वॉटर वेपर एंड वॉर्म्स दर तो यहां तक हम ये देख लिया है कि सबसे पहले सूरज की जो रोशनी है वो हंड्रेड परसेंट आती है और उसके बाद कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है थ्रू एटमोसफेयर जो कि एटमॉस्फेयर है हमारे पास टाइनिंग पार्टिकल्स का और इसके अलावा जो क्लाउड्स हैं यहां पर आके जब क्लाउड्स आ जाते हैं वहां से रिफ्लेक्ट होती है तकरीबन 20% परसेंट और फिर ये ट्रेवल करती है टुअार्ड्स अर्थ और लैंड पे ओशन में 51% वन परसेंट एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होती है वो भी तकरीबन फोर होती है अर्थ सर्फेस से नेक्स्ट अब हम देखें द वॉर्म अर्थ जब जमीन जो है जो वो गर्म हो जाती है विच इज मच कूलर देन दैन दन लाजाबाद है जो कि सन से बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा कम कूलर है कम मतलब ठंडी है रेडिएट्स लो एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन हीट बैक इन टू दटमोसफेयर जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन हीट को दोबारा से आ, मतलब बैक एटमोसफेयर की तरफ दोबारा से रेडिएट करती है इन कंट्रास्ट टू हाई एनर्जी

स्पेस कुछ होती हैं जो कि स्पेस की तरफ मूव कर जाती हैं तो अब हम यहां से देखें कि जमीन से कंडक्शन एंड राइजिंग एयर की तरफ जाती है टू क्लाउड एंड हीट इन वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स की फॉर्म में तकरीबन ट्वेंटी थ्री परसेंट है और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई एटमोसफेयर जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स के एटमोसफेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो रेडिएशन एब्जॉर्ड बाई एटमोसफेयर तकरीबन फिफ्टीन परसेंट और सम एस्केप्स टू स्पेस कुछ जो हैं वो कामयाब हो जाती हैं स्पेस में एस्केप मतलब निकल जाती हैं तो वो क्या है रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस फ्रॉम अर्थ जो कि हैं सिक्स परसेंट इवेंचुअली दैट लॉन्ग वेव रेडिएशन दैट वाज एब्सॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज एस्केप इन टू स्पेस बट बिकॉज दीज गैसेज स्लो डाउन दी स्केप दे कीप द एटमोसफेयर एंड अर्थ वार्म तो इनका नुकसान क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज में जमा हो जाती हैं या उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनका नुकसान ये होता है कि ये अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसको गर्म करती हैं ठीक है और जमीन का टेम्परेचर जो है उसकी वजह से ज्यादा रहता है विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज दैट लो एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन हीट उस गैसेज बिल्कुल भी ना हो ठीक है तो क्या होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो हीट है ये जल्दी से हो जाएगी स्पेस में और जमीन जो है वो बर्फ बन सकती है ठीक है और हम यहां ये देख रहे हैं कि जितनी भी गैसेज एब्सॉर्ब बाई लैंड से ओशन से निकलती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इनको दोनों को इकट्ठा करते हैं एक तो ये वाटर पेपर जो है लेटेंट हीट की फॉर्म में दूसरा कंडक्शन और राइजिंग की फॉर्म में और उसके साथ साथ जो क्लाउड्स में जो एब्जॉर्ब होती है वो भी और एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर भी इस सारा मिला के हम ये कहते हैं कि रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर जो कि 64 परसेंट है यहां पर तो यहां तक बात कंप्लीट हो चुकी है एनर्जी बजट की अर्थ के हवाले से अब वाय सोलर एनर्जी कि सोलर एनर्जी को हम क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं या क्यों हम इसको इतना फोकस जो है वो इस पर हम दे रहे हैं वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिडिक्टेड एस्टिमेशन अबाउट द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर रिसोर्सिस शोज दैट कि जो वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन इदारा है उसने प्रिडिक्ट किया है एस्टिमेट किया है अबाउट द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कि वो ये बता रहे हैं कि जो एनर्जी रिसोर्सिस हैं और उनकी यूटिलाइजेशन है वो क्या है कोल जो कोयला है डिपॉजिट्स विल डिप्लीट विद इन दी नेक्स्ट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड से 300 साल में जो कोयले के जखायर हैं वो खत्म हो जाएंगे एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स विल डिप्लीट इन फ्यू जैकेट और जो पेट्रोलियम है उनके जो जखायर हैं वो खत्म हो सकते हैं या हो जाएंगे इन नेक्स्ट फ्यू डेड्स में द बेस्ट एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज इज दैट इट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ये बेहतर एडवांटेज है कि सोलर एनर्जी का कि वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अवेलेबल होती है बहुत ही बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में इंश्योरिंग इट्स एक्सेस टू डिवेलपिंग रीजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट अ स्टेबल कॉस्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर सबसे सब बड़ा फायदा यह है कि बहुत ही लंबे फ्यूचर के लिए एक स्टेबल कॉस्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट की जाए डिफरेंट रीजन के अंदर और इससे सबसे सब बड़ा फायदा यह होगा कि इट विल नॉट डिप्लीट द ह्यूज कंजप्शन ऑफ फॉस्टल फ्यूल्स हैज कास्ट विजिबल डैमेज टू द इनवायरमेंट एंड इन वेरियस फॉर्म्स जो कि हमें नजर आ रहा है कि ह्यूज कंज़प्शन जो है फॉसल फ्यूल्स की उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो उसका जो डैमेज है एनवायरमेंटल इंपैक्ट का वो हमें साफ नजर आ रहा है आ आता है इसके अलावा इट इट इज uh, इज ये फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है ये फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है फ्रीली अवेलेबल इन एडिकेट क्वांटिटीज इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर पीपल लिव जहां जहां पर लोग रहते हैं जहां जहां पर इंसानियत बसती है वहां वहां पर हमें ये फ्रीली अवेलेबल है इट कैन मेक यूज ऑफ द Land, ऐसी जमीन जहां पर उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता या एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पे वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती जो कि यूटिलाइज नहीं हो रही ऐसी जमीन उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन वहां पर की जा सकती है इट कैन काज लेस इलेक्ट्रिसिटी लॉस इसका एडवांटेज यह है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जरूरत नहीं होती नॉर्मली uh, ये जहां पर लगाया जाता है उसके करीब में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी लॉस जो है वो कम होता है इट कैन मेक योर होम गो ऑफ द ग्रिड के ग्रिड से सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करें और बैटरीज बैकअप रख के अपनी जिंदगी को अपने घर को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं और हम यहाँ ये यह यह देख रहे हैं कि अगर आप टेबल हमारे पास मौजूद है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोलर एनर्जी क्यों जरूरी है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड सल्फर डिपॉजिट इन द दटमोसफेयर कि जो एटमोसफेयर में फॉसल फ्यूल्स को बर्निंग की वजह से फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से तो जो कार्बन एंड सल्फर जो जजब हो रहा है एटमोसफेयर में उसके अमाउंट क्या है कि ह्यूमन व्हीकल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो तकरीबन एट बिलियन टन है जो डिपॉजिट इन द एटमोसफेयर होता है फॉसिल फ्यूल से जो है वो तकरीबन 6.5 मिलियन टन है और जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उससे तकरीबन वन पॉइंट फाइव मिलियन टन है एट प्रेजेंट सो मैनी हाउ एवर दे ओनली मीट ए स्मॉल पोर्शन आवर एक्चुअल डिमांड जो भी फ्यूल्स जो है वो बन चुके हैं डिवेल्प हो भी चुके हैं लेकिन वो हमारी जो डिमांड है उसका बहुत ही थोड़ा सा जो एटमोस यूं कह लें कि एक्चुअल डिमांड है उसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन को भी मीट नहीं कर सकते तो ये एक्टिविटी की वजह से डिपॉजिटेड जो है वो कितनी ज्यादा हो रही है ये हमें नजर आ रही है कि मिलियंस बिलियन टन के हिसाब से है और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है अब डिटेल हिस्टोरिकल टाइमलाइंस की बात करते हैं सबसे पहले 200 हंड्रेड बी सी बी सी इज वट वी कॉल्ड बिफोर uh, क्राइस्ट ये उर्दू जबान में हम इसको कहते हैं कबल मसीह जो कि आजकल हमारी जो इंग्लिश जो डेट्स हैं तारीख है वो इसी पे ही डिपेंड करती है <coughs> तो सबसे पहले 200 हंड्रेड बी में एक ग्रीक साइंटिस्ट कॉल्ड आरमिकेड्स रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी ऑन ब्रोन शील टू डिस्ट्रॉय या बर्न रोमन वुडन शिप्स ड्यूरिंग वॉर कि इतने पुराने जमाने में भी तो एक ग्रीक साइंटिस्ट ने क्या किया था कि सोलर एनर्जी को ब्रोन्स शील्ड के थ्रू रिफ्लेक्ट करवाया था और उससे जो उनके वुडन शिप से लकड़ी के जो जहाज थे उनको डिस्ट्रॉय किया था बर्न किया था ड्यूरिंग वॉर इसका मतलब है कि सनलाइट को इतने पुराने जमाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा था 700 हंड्रेड की अगर हम बात करें तो पीपल यूज मैग्नीफाइंग ग्लास टू स्टार्ट फायर फॉर कुकिंग एंड अदर यूजेस सेवन तो हंड्रेड कबले मसीह में लोगों ने क्या किया कि सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइंग गिलास के थ्रू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और आग लगाना शुरू की थी और उस आग की वजह से कुकिंग और अदर यूज जो है वो इस्तेमाल में लाए जा रहे थे अच्छा अब टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं इन सेवनटीन सिक्सटी सेवन असंटिस्ट हॉरेस डिसोरस मेड वट इज नोन अ सोलर कलेक्टर उसने एक किस्म का एक सोलर कलेक्टर बनाया था जिसको हम अपनी जुबान में आसान जुबान में ओवन कह सकते हैं ठीक है लाइक एन ओवन तो विच वॉज यूज टू हीट अप फूड और अदर मटीरियल्स तो ये जो ये जो हमारे पास सनलाइट ये नजर आ रहा है इसमें क्या था कि एक बॉक्स बनाया था उस बॉक्स के अंदर सनलाइट एंटर होती थी ग्लास वुडन बॉक्स स्पेस क्रिएट होती थी और इंसुलेशन भी दी थी जिसकी वजह से जो एक किस्म का ओवन है वो ये बनाया था जो कि सोलर की लाइट्स को कलेक्ट करता था और फूड को गर्म कर देता था उसके बाद इन 1839 थर्टी नाइन एडमोन बिकल डिस्कवर्ड दोल्टायक इफेक्ट पहली दफा फोटो वोटाइक इफेक्ट जो कि सोलर सेल्स की बुनियाद बना और 1839 में एडम ने जो कि ये साइंसदान हमारे पास यहां मौजूद है इनकी पिक्चर यहां मौजूद है उन्होंने ये रियलाइज किया था कि फोटो वोल्टाइक इफेक्ट वेन ही रियलाइज दैट सम मेटीरियल वुड एग्जिबिट अ चेंज इन वोल्टेज जी के कोई एक कुछ मेटीरियल ऐसे हैं जो कि ये खसूसियत रखते हैं कि जब उनको लाइट एनर्जी के सामने लेके आया जाए तो चेंज इन वोल्टेज जो है वो एग्जिबिट होते हैं ही फाउंड दिस इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो जो भी अलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ये खसूसियत एडमोन के जो साइंसदान थे इन्होंने एटीन थर्टी नाइन में ये हासिल की थी अच्छा नेक्स्ट में इन एटीन सेवनटी थ्री अठारह सो तिहत्तर में विलुगुबी स्मिथ फाउंड आउट फोटो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिलीनियम तो इन्होंने मटेरियल है इसकी जो फोटो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ठीक है किस तरीके से ये कंडक्ट करता है उसको इन्होंने हासिल किया था इन 1873 उसके बाद 1883 में एन अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स फ्राइट्स ये बड़ा फेमस साइंटिस्ट है इन्वेंटेड द फर्स्ट सेल्स विद द सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट यूजिंग सेलेनियम बार्स इसी इन इसी टेक्नोलॉजी को या इन इसी फाइंडिंग्स को आगे ले जाते हुए चार्ल्स फ्रेट्स ने सोलर सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को सेलेनियम बार्स के थ्रू हासिल किया था और पहले जो सेल्स हैं वो बनाए थे हम ये देख सकते हैं कि 1873 में ये जो ओरिजिनल बार्स हैं सिलीनियम की ये यहां पर अवेलेबल हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक बनाया गया था जिसकी ओरिजिनल पिक्चर जो है ये आप लोगों के सामने यहां पर मौजूद है उसके बाद 1891 क्लेरेंस एम कैंप क्रिएटेड फर्स्ट कमर्शियल सोलर वाटर हीटर तो हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेक्स सोलर वाटर हीटर ये पहला सोलर हीटर था जो कि अठारह में बनाया गया था और <coughs> इसी के बुनियाद बनते हुए सन की जो हीट थी रोशनी थी उसके थ्रू ये जो कमर्शियल जो सोलर वाटर हीटर था वो अवेलेबल था मार्केट में आफ्टर दैट 1905 जीरो फाइव ऑल्बर्ट प्रोड्यूस हिज रिसर्च पेपर ऑन दोटोलैक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं कि फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट तो 1905 में आइंस्टाइन ने एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया था और उस रिसर्च पेपर की बुनियाद जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी और फोटोन थ्यूरी ऑफ लाइट जो कि उस पेपर का मेन खाका था अच्छा इन नाइनटीन सिक्सटीज रॉबर्ट मिलीकन प्रूव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स तो उन्नीस में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो काम था जो थ्योरी थी फोटोन थ्योरी फोटोन थ्यूरी ऑफ लाइट को इनको एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया था रॉबर्ट मिलिकन ने 1916 में मतलब इसी काम को एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने एक्सपेरिमेंट से जो कि 1916 में परफॉर्म किया गया उसके बाद 1918 की बात करें 1918 में अपॉलिश साइंटिस्ट जैन ये नाम बड़ा मुश्किल है जी जू की वर्क आउट दी वे टू ग्रो अ सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन 1918 में प्रैक्टिकली एक क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का किस तरीके से ग्रो कराया जाता है वो इन पॉलिश साइंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जो कि ये हमें नजर आ रहा है ठीक है ये पहला जो इस टाइप का वो सिलिकॉन जो था वो इंगॉट के थ्रू जो है वो आ, बनाया जाता था और उसको उगाया जाता था उसके बाद 1947 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जब आ, जंगे अजीम धूम जो हुई थी उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सिस वर डिप्लीटेड जो इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सिस थे वो खत्म होना शुरू हो गए एंडहेंस सोलर इक्विपमेंट बिकेम क्वाइट इन डिमांड और जो सोलर इक्विपमेंट अवेलेबल थे उस जमाने में उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई बहुत ज्यादा तो इन नाइनटीन फिफ्टी फोर डिवेलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिलीकॉन फोटूवोल्टाइक सोलर सेल उन्नीस सौ चौवन में पहला सो, silicon का फोटूवोल्टायक सोलर सेल जो है वो बनाया गया था और ये जो सोलर सेल था इसकी एफिशिएंसी 5 परसेंट थी जो कि ये हमारे पास अवेलेबल है ये पिक्चर 1954 के सोलर सेल की पिक्चर है जो कि एक रे की फॉर्म में इसको बाद में प्लेट की फॉर्म में बना दिया गया है इसके बाद 1956 में द फर्स्ट कमर्शियल सोलर सेल वॉज मेड अवेलेबल टू दब्लिक एट अ वेरी एक्सपेंसिव रेट ऑफ थ्री डॉलर पर वॉट उन्नीस में पहला कमर्शियल सोलर सेल जो है वो अवेलेबल था और पब्लिकली और ये काफ़ी महंगा था उस जमाने में क्योंकि टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी और जो कि 300 डॉलर पर वॉट की एक्सपेंसिव प्राइस में अवेलेबल था 1960s में हॉफमन अचीव 40 परसेंट फोर्टीन परसेंट एफिशियसी इन इट्स फोर टू वोल्टॉयसल उन्नीस सौ में हॉफमैन ने uh, 14 परसेंट एफिशंसी जो है वो हासिल की थी फोर टू सोलर सेल्स की और 1954 में 5 परसेंट थी तो यहां पर ये यह बढ़कर 14 परसेंट पर आ गई 1970s में एक्सोन कॉरपोरेशन एक कंपनी है उन्होंने इन्वेस्टेड किया डेवलपिंग सिग्निफिकेंटली चीपर सोलर सेल इस कंपनी ने 1970s में की दिहाई में यह चीपर सोलर सेल जो है वो प्रोड्यूस किया विच ब्रॉट द प्राइस डाउन फ्रॉम हंड्रेड डॉलर पर वॉट टू ट्वेंटी डॉलर पर वॉट मतलब स्टार्ट में यहां पर 1956 में 300 डॉलर थी और नाइनटीन तक ये 100 पे पहुंच गई थी और 100 से भी जब एग्जॉन कॉपोरेशन ने इन्वेस्ट किया डेवलप करने के लिए आ, सोलर सेल को तो ये इतनी कम हो गई कि ट्वेंटी डॉलर पर वार्ड पर आ गई 1977 में क्या हुआ द तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट स्टेब्लिश सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट अब इसकी प्रोडक्शन के हवाले से जो रिसर्च है वो भी शुरू होना आर डीज जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई 1977 में और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको करना शुरू किया इसके रिसर्च सेंटर्स को 1980s में सोलर पावर बिकेम पॉपुलर इन मार्केट्स। सोलर पावर जो है वो फेमस होना शुरू हो गई मार्केट्स में एंड वाइडली यूज इन मैनी एवरी डे यूज और ये बहुत ज्यादा जो है वो डेली यूज में इस्तेमाल होना शुरू हो गए आइटम्स सच एज रिमोटली लोकेटेड होम्स ऐसे घर जहां पर बिजली के एक्सेस ना हो रूरल एरियाज विलेजेस एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर्स में रेल रोड क्रॉसिंग्स में इरिगेशन सिस्टम्स में सोलर पावर्ड कार्स जस्ट लाइक सबसे पहले वॉक्स ने स्टार्ट किया था टेस्टिंग फोटोवोल्टाइक अरे ऑन रूफ ऑफ डैशर स्टेशन वैगन ठीक है और इसके साथ साथ लार्ज स्केल सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स तो 1980 की दिहाई में ये हुआ कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया इनका अपनी जिंदगी में जो कि रिमोट रिमोटली लोकेटेड होम्स से टेलीकम्युनिकेशन टावर से जो रेल रोड क्रॉसिंग थी वहां पर भी इनका इस्तेमाल शुरू हुआ जो फाटक हैं इरिगेशन सिस्टम्स में कार्स में और लार्ज स्केल सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स में 1986 में, ARCO में आर्को मेड द फर्स्ट film solar विच हिट hit the markets. 1986 में आर्को कंपनी ने पहला थिन फिल्म सोलर पैनल जो है वो आ, इजाद किया और वो मार्केट के अंदर उसको हिट किया और नाइनटीन में टोटल वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम फोटू वोल्टाइक कैपेसिटी रीच हंड मेगा तो उन्नीस सौ नब्बे में जो टोटल वर्ल्ड वाट की प्रोडक्शन थी सोलर एनर्जी की वो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई कि तकरीबन तकरीबन एक हजार मेगावाट जो है वो सोलर फोटू वोल्टाइक जो कैपेबिलिटी थी कैपेसिटी थी वो बन गई और उसके बाद दो हजार से लेकर आज तक सोलर पावर बिकेम कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स ज एंड इंडस्ट्रीज आज आज की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे कंट्रीज में जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है उसमें हम सोलर का बहुत ज्यादा स्कोप देख रहे हैं और सोलर जो है वो अब होम यूज में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है लोग घरों में डिफरेंट रेटिंग्स के जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं जो फाइव किलो से टेन किलो गवर्नमेंट जो है वो उस पर सब्सिडीज दे रही है पे इसके अलावा हमारे पास नेट मीटरिंग अवेलेबल है ऑन ग्रेड ऑफ ग्रेड सारे सिस्टम अवेलेबल हैं और नेट मीटरिंग के थ्रू जो सोलर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है उसके थ्रू जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम ग्रिड में शामिल कर सकते हैं और उसकी वजह से हम अपने यूनिट्स जो हैं वो बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज हासिल कर सकते हैं ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन फ्रैक्शन आई विल डिस्कस दिस स्लाइड इन फ्यूचर तो टिल नाउ हमने देख लिया आज का लेक्चर और आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है हमने इंट्रोडक्शन भी देखा सन के हवाले से भी बात की और डिटेल्ड हिस्टोरिकल टाइमलाइंस ऑफ दी सोलर एनर्जी के हवाले से भी हमने बात की थैंक यू